ट्वाइस एस बी विद बिलाल। सो बेटा, आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो एएमसी के पास्ट पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड जो है वो क्वेश्चंस हैं। इन दिस वीडियो वी डिस्कस इट इन डिटेल। सो बेटा, इस वीडियो में हम यही जो है वो डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज के इनिशियल टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के आए हैं। सो बेटा, अगर आप एएमसी का टेस्ट देना चाह रहे हैं, हमने एएमसी का प्रॉपर बेटा प्लेलिस्ट बनाई है अपने चैनल पे, जिसपे हमने एएमसी की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उसको अलहदा उसमें डाल दिए। आप बेटा प्लेलिस्ट में जाके एएमसी के फोल्डर को ओपन करके तमाम वीडियोस देखें। इंशाल्लाह तमाम वीडियोस को देखने के बाद बेटा आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपका टेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से पास हो जाए। सो बेटा, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दें। बेटा इस चैनल पे आपको एएमसी की कंप्लीट प्रेपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। तो बेटा एकेडमिक का पोर्शन ऐसा है, वर्बल नॉन वर्बल तो आप किसी तरीके से तुक्का लगा के भी किसी ना किसी वे से जो है वो कर लेंगे, बट एकेडमिक का पोर्शन ऐसा है बेटा जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, छांटी होती है। तो एकेडमिक के पोर्शन को बेटा जितना मजबूत करेंगे वो उतना काम है। आप बेटा बहुत ज़्यादा फोकस करें इस पर। और बेटा अगर किसी बच्चे को नोट्स ही चाहिए एएमसी के, ये ऊपर बेटा स्क्रीन पर देखें नंबर शोर है, एएमसी कम्प्लीट सेट ऑफ रिपीटेड एंड इम्पॉर्टेंट नोट्स पास्ट पेपर वीडियो लेक्चर अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप 03026617439। इस नंबर पे बेटा व्हाट्सएप करने के बाद आपको एएमसी के कंप्लीट नोट्स जो है रिपीटेड इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर जो सब कुछ है वो मिल जाएगा। सो बेटा लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर वन, वॉशिंग सोडा इज़ कामन नेम ऑफ। वॉशिंग सोडा किसको कहते हैं, किसका कामन नेम है? तो ये बेटा सोडियम कार्बोनेट का कामन नेम है, NaCl एल का जो है वो कार्बन नेम है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का। द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस इज, लाफिंग गैस का केमिकल नेम क्या है? तो इसका नेम है बेटा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नेम है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसको बेटा रट लें, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना करें बेटा, ये बहुत अहम रिपीटेड क्वेश्चन हमने इकट्ठे किए हैं जो एएमसी में बेटा बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी बेटा, बट आपने इसको कंप्लीट देखना है कि आपका अगर आपने अपना टेस्ट जो है वो क्लियर करना है। उसके बाद है बेटा द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस, ये हो गया। थ्री वाला है द केमिकल द सेल डिस्कवर्ड बाय, सेल को किसने डिस्कवर किया था? तो बेटा रॉबर्ट हुक ने जो है इसको डिस्कवर किया था इन 1665 में, ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था सेल को। द न्यूक्लियस इज़ डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन है जो न्यूक्लियस का इन्वेंटर है। उसके बाद बेटा द माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय, माइक्रोस्कोप को किसने डिस्कवर किया? तो ये गैलीलियो ने किया था, कब? 1610 में, ठीक है, 1610 में जो है इसने गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। बाल पेन इन्वेंटेड बाय, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है बेटा, बाल पेन को किसने याद किया था? अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन लोड इन 1888, ठीक है, 1888 में जॉन लोड ने जो है वो बाल पेन को जो है वो ईजाद किया था। मर्करी इज़ आल्सो नोन एज, मर्करी का दूसरा नाम क्या है या इसको दूसरे नंबर पे क्या कहा जाता है बेटा? तो ये क्यूक सिल्वर है, ठीक है। हाउ मैनी लेग्स डू बटरफ्लाइज हैव, बटरफ्लाइज की बेटा कितनी टांगे होती हैं? सिक्स लेग एंड टू पेयर ऑफ विंग, छः टांगे हैं और दो इसके विंग्स के पेयर हैं, मतलब के पड़ों के दो जोड़े हैं, छः लेग्स हैं इसकी बेटा। जो मेन इस क्वेश्चन आया है वो क्या है बेटा, लेग्स कितने हैं बटरफ्लाई की, तो वो सिक्स हैं, ठीक है। और उसके बाद बेटा द हार्ट ऑफ अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बींग वेट अबाउट, एक हार्ट है जो नॉर्मल अडल्ट बच्चे का, बंदे का, अडल्ट जो है बालक का, वो कितना है, कितना वेट है उसका? तो वो कितना है बेटा, 300 ग्राम्स। तो वो 300 ग्राम का वेट है जो नॉर्मल अडल्ट का वेट है। और उसके बाद बेटा व्हाट इज़ एवरेज अडल्ट प्लस रेट, प्लस रेट क्या है एक अडल्ट का, एक बालक का या एक नौजवान आदमी का, क्या है वो? 72 to 80 है, ठीक है, अडल्ट प्लस रेट। और उसके बाद बेटा द को मिल्क कंटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इन टर्म ऑफ परसेंटेज,
आपने बेटा कौ का गाय का जो दूध है उसमें कितनी पानी की मकदार होती है परसेंटेज के हवाले से बताना है तो कितनी है बेटा 80%। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है आला है जिससे हम दूध की प्योरिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो क्या है बेटा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर बेटा तमाम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करिए, मोस्ट रिपीटेड है। रेडियो एक्टिविटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी कब जो है डिस्कवर्ड हुई थी पहली बार, तो ये किसने डिस्कवर की थी, तो मैडम करी, उनका नाम था करी, बट मैडम उनको इसलिए कहा जाता है कि उनका ये इन्वेंटर है मैडम करी ने। विच गैस इज कॉमनली यूज इन बलून एंड एयरशिप, बलून्स में, गुब्बारों में और एयरशिप में बेटा कौन सी गैस है जो यूज़ की जाती है, तो वो क्या है हाइड्रोजन H। ठीक है, हाइड्रोजन। विच गैस इज यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो है वो तैयारी में कौन सी गैस यूज़ की जाती है बेटा, तो वो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। इन ब्लड द परसेंटेज ऑफ वाटर, ब्लड में खून में परसेंटेज कितनी है वाटर की बेटा, तो वो 90% है। द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज, हवा में नाइट्रोजन की कितनी मकदार है, तो वो है बेटा 78%। ठीक है, तमाम क्वेश्चन बेटा रिपीटेड हैं, किसी सवाल को छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से सभी को करना है अगर आपने टेस्ट पास करने। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बेटा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट कर दें। अगर आपको कोई इशू है, किसी किस्म का बेटा कोई इशू है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम आपको फौरन उसका रिप्लाई देंगे ताकि आपकी वो परेशानी दूर हो। उसके बाद है बेटा एयर कंटेन वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। ठीक है, एयर कंटेन कार वॉल्यूम है जो बेटा एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कितना है 0.03। फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन वी यूज़, पानी की जो है प्यूरिफिकेशन में क्या हम यूज़ करते हैं, तो वो क्या है बेटा क्लोरीन। ठीक है, ये ऐसे भी आ सकता है कि विच एलिमेंट यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, तो वो क्या है बेटा क्लोरीन है। ठीक है, ये याद रखना है। द ह्यूमन ब्लड इज डिवाइडेड इन टू, ह्यूमन का जो ब्लड है बेटा वो किस में डिवाइड किया गया है, चार ग्रुप्स में, ए है, बी है, ओ है, ओ पॉजिटिव है, इस तरह के जो है ए बी है। ठीक है, एक पहला ग्रुप है ए, दूसरा ग्रुप है बी, तीसरा ग्रुप है ए बी कॉम्बिनेशन, और चौथा ग्रुप जो है बेटा वो क्या है ओ। ठीक है, इसमें आगे फिर आ जाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव। अ मैन कैन सर्वाइव विदाउट फूड, एक बंदा जो है वो फूड के बिना कितने दिन जो है वो गुजार सकता है, 1 month, एक महीना। द मसल टिशू एंड ब्लड आर मेड अप ऑफ, ठीक है, ये मसल हैं, टिशू हैं और ब्लड जो है किसका बना हुआ है बेटा, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड का, प्रोटीन किसकी बनी है अमाइनो एसिड की। ठीक है, व्हाट डज वी मेक द ब्लड लुक रेड, कौन सी चीज़ है बेटा जो ब्लड को लाल दिखने में, लाल रेड कलर देने में जो है काम करती है, तो वो क्या है बेटा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है बेटा, ये प्रोटीन है। ठीक है, द एसिड यूज इन अ कार बैटरी इज, कार की बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है, तो वो क्या है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कार की बैटरीज में यूज होता है। द मेजर पार्ट ऑफ नेचुरल गैस पेट्रोलियम एंड कोल कंसिस्ट ऑफ, जो बेटा दो गैसेज हैं नेचुरल, एक है पेट्रोलियम और दूसरी है कोल, तो इसमें कौन सा पार्ट जो है नेचुरल है और मेन है, तो वो क्या है बेटा मीथेन। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इज, साउंड की स्पीड क्या है बेटा 340 मिनट पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड है जो साउंड की वो क्या है 340 मीटर पर सेकेंड। ड्यूरिंग स्लीप अ मैन ब्लड प्रेशर, ठीक है, जब बंदा सो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर फ्लकुलेट्स हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद बेटा द स्मॉलेस्ट प्लांट्स ऑन द अर्थ आर, ज़मीन पे सबसे छोटा पौधा कौन सा है, तो एलजी है। ठीक है बेटा, एलजी ज़मीन पे सबसे छोटा पौधा एलजी है। हु इन्वेंटिंग द पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन ओरल, ये आपने याद रखना, ओरल जो इन्हें जो हम मुंह के ज़रिए जो है वो इनटेक करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है ओरल। ठीक है, तो पोलियो वैक्सीन किसने बेटा ईजाद की थी, अल्बर्ट साबिन ने। उसके बाद बेटा टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल ह्यूमन में बेटा ब्लड का वॉल्यूम कितना है, तो वो क्या है बेटा 5 से 6 लीटर। ठीक है, 5 से 6 लीटर जो है बेटा वो एक ह्यूमन बीइंग में ब्लड का वॉल्यूम है। सो बेटा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें, देख लें हम आपके लिए कितनी मेहनत से पास पेपर से क्वेश्चन इकट्ठे करके
PDF बना के वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे बेटा तो हमें दिलजोई नहीं होगी। हमने बिजक वक्त बेटा इस वक्त दो सेशन स्टार्ट किए हैं, एक ISSB का और एक जो है AMC की प्रेपरेशन का। ठीक है, AMC का और ISSB का प्रॉपर जो है वो दोनों चल रहे हैं। ISSB के बच्चे अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बट आपकी तरफ से बेटा अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना ख्याल रखिए बेटा। अल्लाह हाफिज़, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।